तो MS Excel की क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। हमने अभी तक जो पढ़ा है लॉजिकल में वो पढ़ा है कि किस तरीके से इफ को लगाते हैं, किस तरीके से एंड को लगाते हैं, किस तरह से और को लगाते हैं, और साथ में हमने बताया आपको इफेरर, राइट सर? जी सर। अब चलिए इसके कुछ और फॉर्मूले उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि आप जब लेटेस्ट एक्सेल खोलते हैं उसमें बहुत सारे और फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, जैसे कि बाय कॉल आ गया, बाय रो आ गया, उसके बाद इसमें आपको आता है लैम्डा, लैम डीबीए, ठीक है, मेक एरे, ये आपका लीव जाता है, ये फॉर्मूले भी है, लेकिन इसके बारे में फिलहाल आपको नहीं पता चलेगा, आगे क्लासेस में इस पे वापस आऊंगा मैं। फिलहाल हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि इफ्स का फॉर्मूला देखते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया इफ का फॉर्मूला, याद होगा इफ का फॉर्मूला। इस इफ के फॉर्मूले में आपने देखा कि कैसे हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को सिंपलाइज होता है इफ्स, IFS, इफ्स। अब इसमें मैं लॉजिक दे दिया कि भाई ए जो है लेस देन 40 होना चाहिए, तो क्या है, तो हमने दे दिया सी ग्रेड है, ठीक है सर। अब मुझे दोबारा इफ नहीं लगाना है, मुझे जस्ट लॉजिक लगाना है कि लेस देन इक्वल टू 60 हो तो यहां बी ग्रेड। देन अगेन मैंने इफ दिया, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू क्या हो 90, तो यहां पे ए ग्रेड हो। अगेन सॉरी माफ कीजिए, मैंने इफ लगा दिया, यहाँ इफ नहीं लगाना है, इसमें आदत है ना इफ लगाने की। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे आ जाए ए प्लस। अब जो है मैं एक बार फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला यहाँ रखता हूँ, इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का एक फॉर्मूला होता है जो कि सेल के अंदर क्या फॉर्मूला लगा है वो टेक्स्ट में दिखाता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है। देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले की हम बात करें, ऊपर वाले फॉर्मूले में एक इफ, उसके अंदर फिर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर फिर चौथा इफ, इस तरह से हुआ। बट इफ्स के फॉर्मूले में क्या हुआ, पहला कंडीशन रिजल्ट, दूसरा कंडीशन रिजल्ट, तीसरा कंडीशन रिजल्ट, चौथा कंडीशन एंड रिजल्ट सीक्वेंसली। आया समझ में सर? जी सर। ये हमारा क्या फॉर्मूला था, इफ्स का फॉर्मूला, राइट। अब मैंने आपको बताया था इफ एरर का फॉर्मूला कि अगर किसी तरह का एरर आता है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए उस कैलकुलेशन को हम इफ एरर में डाल देते हैं, बताया था आपको सर? जी सर। लेकिन एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे इफ एन ए, इफ एन ए क्या करता है कि सेम इफ एरर की तरह वर्क करता है, लेकिन सिर्फ एन ए नाम के फॉर्मूले से। क्लिक को होल्ड रखते हुए, मूव करो ना माउस, कॉपी करना तो कंट्रोल प्रेस करो, कॉपी नहीं करना है तो सिर्फ मूव करो। इफ एन ए समझ में आया आपको सर? वो सिर्फ एन ए पे ही वर्क करता है। इफ एन ए के बाद जो दूसरा है उसकी हम बात कर लेते हैं, इफ हो गया, उसके बाद आपका लेट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं बताऊंगा लेट फॉर्मूला आगे क्लासेस में। उसके बाद आपका नॉट होता है जो कि अगर कोई रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो नॉट फॉर्मूला उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स करता है नॉट का फॉर्मूला। उसके बाद और फॉर्मूला बताया था, और में एक और XOR फॉर्मूला। अब XOR फॉर्मूला का क्या यूज होता है हम आपको बताते हैं, चलिए। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आपको दो चॉइस में से किसी एक चॉइस को लेना है, आप दोनों को नहीं ले सकते और दोनों को छोड़ भी नहीं सकते, मतलब कि आपका ट्रांसफर तो पक्का है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम में मैंने यहाँ दे दिया पूजा, और दिल्ली ट्रांसफर चूज कर रहे हैं या फिर पुणे को चूज कर रहे हैं। अब दिल्ली पुणे में से कोई एक तो चूज करना ही करना है आप, लेकिन दोनों चूज नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ही जगह काम कर पाएंगे ना, समझ गया, दो जगह काम कर पाएंगे नहीं, तो आपको एक को एम करना पड़ेगा। एक्स और फॉर्मूला इसी चीज को शो करता है कि एक्स और हमने इसको सेलेक्ट करके वाई किया, फिर इसको सेलेक्ट करके हमने इक्वल टू वाई किया, तो अब क्यों आया, अगर दोनों वाई होगा तो फॉल्स आएगा, सॉरी एक्स और करना है, माफ कीजिएगा, हमने और लगा दिया, दोनों वाई हुआ तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों एन हुआ तो भी फॉल्स आएगा, और एक वाई एक एन है तो ट्रू है, समझे। अब बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि मुझे दो में से किसी एक में ही एंट्री करनी है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूं कि इस पे सेलेक्ट करता हूं और डेटा वैलिडेशन में जाता हूं और यहां पे लेता हूं क्या कस्टम, और ये फॉर्मूला यहां डाल देता हूं, राइट, और इसको कॉपी करके पूरे एरिया में राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और वैलिडेशन कर देता हूं, यहाँ पे वैलिडेशन। अब क्या होगा कि मैं दोनों में से कोई एक में y एंट्री कर सकता हूं, यहाँ जैसे मैं n करूंगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, अगर मैं यहाँ पे y लिया और यहाँ पे भी y लेता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करने देगा, नहीं करने दे रहा, तो यहाँ पे n लूंगा तो n से करने देगा, तो दोनों में मैं y नहीं कर सकता। तो आपके पास कभी ऐसा चॉइस होगा कि मुझे दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों में से कोई एक ही में या चार में से एक में, तो ये आपका क्या होता है एक्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते हैं। उसके बाद जो अगला इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन है स्विच का, अगली फॉर्मूला जो है इसमें आपका स्विच का फॉर्मूला है। चलिए स्विच के फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। अभी ये देखा आपने, ये दिया था हमने फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूले को मैं अगर स्विच फॉर्मूले से करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया एक्सप्रेशन, अब मैं बोलता हूँ कि अब इसमें देखिए स्विच का जो फॉर्मूला होता है ना वो लॉजिक उसमें नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि आप गेट लेस देन 50 हो, नहीं कर सकते। स्विच का फॉर्मूला होता है, मैं अगर एक अलग तरीके से बताऊं आपको, जैसे कि मेरे पास कुछ लिस्ट है कि 1 आए तो दिल्ली शो हो, 2 आए तो मुंबई शो हो, यहाँ पे 3 आए तो कोलकाता शो हो। तो आप अगर इसी चीज को यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ आपको 1 लिखा, अब मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला ना लगा के स्विच का फॉर्मूला लगाऊंगा। स्विच फॉर्मूले में मैंने बोला कि इसके अंदर अगर 1 हो तो यहाँ पे दिल्ली आए, फिर 2 हो तो मुंबई आए, फिर 3 हो तो कोलकाता है, समझे। ऐसे आप कंटिन्यूअस देते चले जाइए कि आपने सिलेक्ट किया एक्सप्रेशन की किस सेल में क्या हो तो क्या दिखे, क्या हो तो क्या दिखे, क्या हो तो क्या दिखे, और करते चले जाइए, आपको बार बार नेस्टेड इफ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ नए फॉर्मूले आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेट का फॉर्मूला होता है, लेट का फॉर्मूला क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये इफ से रिलेटेड नहीं है, है तो इफ जैसा ही बट इफ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे नेम दे दिया, नेम की वैल्यू दे दिया और कैलकुलेशन दे दिया, तो वो आपको करके दिखाता है। तो ये आपको हम आगे क्लासेस में आपको करके बताएंगे कैसे होगा लेट फिल्टर क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें आपको फिल्टर वगैरह के जो फॉर्मूले है ना वो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगली क्लासेस में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो है कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूले से।